हिंदू धर्म में कई ऐसी परंपरा है, कई ऐसे रीति रिवाज है जिनको करने से माता लक्ष्मी व भगवान नारायण की कृपा बरसती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पीपल पत्तों का उपाय। पीपल में कई देवताओं व देवी का वास होता है, लेकिन रविवार को दिन स्पर्श करना या जल चढ़ाना निषेध माना गया है। अगर अपन रविवार के दिन जल या पीपल के पत्ते को स्पर्श करते हैं तो इससे आर्थिक तंगी के साथ में जीवन में दुष्ट परिणाम भी देखने में मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता तो है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। पीपल की रोजाना पूजा होती है, लेकिन आप भी नहीं जानते तो ये जान लेना चाहिए कि रविवार को स्पर्श करना निषेध माना गया है। आखिर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं उज्जैन के ज्योतिष आचार्य पंडित रवि शुक्ला से। सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल के वृक्ष को बड़ा शुभ माना गया है। पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। पीपल के वृक्ष का पूजन करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पीपल का वृक्ष सभी वृक्षों में श्रेष्ठ है। भगवान नारायण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल के समान पूजनीय हूँ, यानी वृक्षों में मैं पीपल के समान श्रेष्ठ हूँ। भगवान नारायण का सदैव इसमें वास रहता है, लेकिन रविवार के दिन पीपल का स्पर्श, पीपल में जल दान करना यह सब निषेध माना गया है। इसलिए रविवार के दिन पीपल के स्पर्श से बचना चाहिए। यदि गुरुवार के दिन एक पीपल के पत्ते को गंगा जल से शुद्ध करके उस पे शुद्ध चंदन से या घी और सिंदूर से मिला हुआ घी सिंदूर मिला करके यदि उससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा जाए और उसका पूजन कर लिया जावे, और जब तक वो सूख ना जाए, जब तक उसका पूजन करें, जब वो पूरी तरह सूख जाए तो किसी नदी में उसको प्रवाहित कर दिया जाए। ऐसा करने से मनुष्य की जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है।